तो अपने 1000 सब्सक्राइब हो गए। सही कहे उस्ताद, यो चैनल अपना चाल सके है। अच्छा। और आप ही ने इसकी खातिर समस्या एक है, कंटेंट चाहिए रोज के कितने लावा कंटेंट अपन याडे बना ले तो उस्ताद। हाँ यार हरियाली यह भी ठीक है, एक खास बात और है इस हरियाली की गेला बहन चो त्योहारा का टेम चल रहा है, चोकर बहन चो चहल पहल हो रही है, मजा ही ना रहा हो। चल एक कंटेंट आप यार याली यार इन त्योहार पर बनावा। ठीक है उस्ताद चल बनावा। ठीक है ठीक लागू। सही लागू उस्ताद। और बता खराब नहीं आनी चाहिए। सही चलाऊं उस्ताद। हाँ राम राम, नमस्ते, जय हरियाणा, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं तारा देसी पत्रकार चिंटू, आप सबका बड़ा धन्यवाद, मारे चैनल के 1000 सब्सक्राइब कर दिए तामने। भाई तारा श्यान जिंदगी में नहीं भूला, और इन 1000 आते 1,00,000 मैं चाहूँ तोड़े है कर दो तामी, मजा आ जाएगा भाई। रही बात दूसरी, आज हम जो वीडियो बनावा हाँ, आज जो खबर आपके से मिले क्या वहाँ वहा है खेता हमारे यहाँ हरियाली की और त्योहार की। अपना हरियाणा में ये दो चीज आपस में कितना कॉम्बिनेशन रखे हैं, खेता में हरियाली और गांव में लुगाइया की चहल पहल, कोई झूला झूलन लाग रही है, कोई केम करी है, क्यों करतीज पे लुगाई छोरी झूला करे उस्ताद, देख उड़े पाछवा छोरी पिंग बिगालन लाग रही है। तो काले दिखाई ने पिंग क्यों कर के ला करे तो आपने किसा लग गया मारा झूल गालन का तरीका रछट्टू फूकते इस जब छोरी मर की बात ने रखे हो या कौन हो तुम गुड्डी, तू हमना अपना भाई मान, मरण दो मने, पर न्यू बता मरना क्यों चाहो, तू क्यों फांसी खाओ थी भाई, मेरा बाबू मेरा अड्डे सड्डे में ब्याह करे है, आए मरना तो फिर इसका क्या समाधान हो जाएगा भाई, ब्याह तो करे है भाई, जिसकी गल ब्याह करे है वो नशेड़ी जमा शराबी आदमी है। बुड्ढी अपने घर आ जा और कर क्या ते बात कर, सारी चीज ठीक हो जाएंगी, हर एक चीज का समाधान है बातचीत ते। किस ते बात करूं भाई, कोई सुनने नहीं तैयार कोनी, नू बता आज ते अड्डे सड्डे में किसी का घर बसया है, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं को ना, मैं ते जाने दे दूंगी। गुड्डी तने घर आ जाना पड़ेगा और कर क्या ते बातचीत कर, सारी चीज ठीक हो जाएंगी। मैं को नहीं जाऊं भाई। ठीक है गुड़ी, जब तू नहीं जानती ने तो हम भी नहीं जानते, बैठ जा कड़े। ठीक है उस्ताद। चल भाई आप ही भी इसका गेला चाला, दिन छपन हो रहा है, या किते और राम किते फांसी खागी तो मुश्किल हो जाएगी, अंधेरे में पाओ भी कोई ना पिंटोई। सही साल चालांगे। सही कहा उस्ताद। अड्डा सड्डा या इसी के बीमारी है जो एक छोरी अपने जान देने भी तैयार फिर है, जया इतनी भयंकर बीमारी है तो फिर इस दुनिया का ध्यान इस तरफ न क्यों नहीं गया, न्यू किसी की जिंदगी बर्बाद करने का अरे किसी ने कोई हक नहीं, अरे किसी ने कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। रे क्या हाल से यूट्यूबरे, के डाल दुखी बैठे से
अरे बात की होती लाडले, वा काल वा छोरी वाली घटना ही नहीं बताऊं था। हाँ। दिमाग कहते नहीं लकड़ रही यार वा। कोई बात ना हो जाए करे। अरे केक का छोरी इसे अड्डा सड्डा किसे कार बनी लडले। भैया बात तो ठीक कहे भाई तू। बहुत गणी दुखी होंगी भाई। नजायज बात से। अरे मन ने इस अड्डा सड्डा की बीमारी की तैती जाना है। भैया बात तो ठीक कहे भाई तू। इसकी पूरी जानकारी चाहिए भाई। ये तो भाई फिर गांव के बुड्ढे श्याणे बता सके। ठीक कह है भाई, कोई बड़ा श्याणा ही बता सके है। चलो मैं किसी बड़े श्याणे ने टोंसू और उससे इसका पता करूंसू। चलो तो ठीक से भाई। ठीक है सोनू भाई। अच्छा तो भाई राम राम। ठीक है राम राम। ताऊ राम राम। राम राम भाई राम राम। आजा बैठ ले हुक्का पी। ताऊ मैं तो आपका धोरे काम आया था। काम? बता भाई के काम है। ताऊ आप पुराने आदमी हो और आपने इस बात का जरूर बेरा होगा। कौन सी बात का भाई? ताऊ यू अड्डा सड्डा क्यों है? अड्डा सड्डा? हाँ बेटा, जो रिश्तेदारी तीन परिवार के बीच में हो। अच्छा। उन्हें अड्डा सड्डा कहा करे। अच्छा तीन परिवार के बीच में, मैं समझा नहीं। ताऊ बेटा मान ले एक परिवार रहे जींद और एक परिवार रहे रोहतक, एक परिवार रहे गुड़गांव। इब जींद आला के बालक ते बैरे क्यों रोहतक, और रोहतक आला के बालक बैरे क्यों गुड़गांव, और गुड़गांव में आला के बालक बैरे क्यों जींद। इन्ने कया करे अड्डा सड्डा। ठीक फिर ताऊ इसमें एक बात बता, बालक दुखी गणा रहे कि सुखी गणा रहे? भाई या तो बालका के भाग के ऊपर भी उनके भाग में के लिख रखा है। बाकी इस बारे में मैं इतना अच्छी ढाल बता नहीं सकता। एक छोरी है, उसकी शादी अड्डे सड्डे में हुई थी। अच्छा। और आज कल वह छोरी प्रोफेसर लाग रही है। अच्छा। वह छोरी इतना अच्छी ढाल बता सके है, मैं तेरे ऊपर नंबर दे दू हूँ, तू दोरे फोन कर लिए। देता हूँ नंबर दे फिर। ले तेरे फोन में भेजू हूँ। भेजो। देख आ गया? हाँ आ गया ताऊ। हाँ फोन कर लिए तू। ठीक सा ताऊ, धन्यवाद तेरा। राम राम मैं चलूँ। हाँ राम राम भाई राम राम। राम राम जी। राम राम जी। बैठिए। मैडम जी मेरा पूरा नाम अमर सहरावत है। चिंटू के समाचार नाम ते मेरा एक यूट्यूब चैनल है। चिंटू पत्रकार नाम ते मैं मशहूर हूँ। इसका गेल गेल मने कहानी लिखने का शौक है। मने इसे लोगा पे लिखना घना पसंद है, जो एक गरीब परिवार ते उठ के बहुत बड़ा मुकाम हासिल करे है। रेखा जी मैंने आपके बारे में भी सुना है कि आप एक गरीब परिवार से थे और आज आपके नाम का आगे डॉक्टर रेखा लग गए है। आपने प्रोफेसर की जिंदगी जी है, आपने पीएचडी करी है, तो आपकी जिंदगी के बारे में मैं जानना चाहूँ। गरीबी? मैं तो इतने गरीब परिवार से थी कि जब मेरे भाई का रिश्ता भी ना हुआ था तो मेरे बदले में उसका ब्याह होया था। रिश्ता हुआ भी क्यों, ना वो पढ़ा लिखा था, ना मारे किले थे, ना वो नौकरी कर रहा था। मतलब? मतलब अड्डा सड्डा। फिर इस स्टोरी के बारे में मैं तो पूरा जानना चाहूँ। सरूता राखरती मने या पूरी स्टोरी सुननी है मैडम जी? आज आज ये कहानी मैं आप तो पूरी सुनाऊंगी। तो कहानी की शुरुआत हुआ उस दिन तय जिस दिन जगबीर अंकल रमेश खातिर अपनी छोरी का रिश्ता लेकर आए थे। रामफल के घर में खूब चहल पहल। रामफल ओक्का भर है, उसकी बहू कमला खाट पर चादर बिछावे। मका सुने के
हाँ चादर नहीं सी कौन है घर में दरी तो है केरा बेड में एक नई फिर उन्हें बिछवा लेने थोड़ी छतरी लगेगी पुनमे एवं नई चादर ले आइए बेड में तो काट के माँ आज तैयारी तो तू इस तरीके तक कर रही है कदे भाई का रिश्ता पक्का हो जाज ए बेटी इसे कर्म कड़े से उसके निर्भाग से आज पूरे 30 साल का हो लिया और जे आज रिश्ते की बात नहीं बनी ना मेरी तान आली पिड्डी मेरा न के होगा सब ठीक हो जाएगा गणी बड़क ना लेवे चाले का सुना है के हाँ वो बिस्कुट और भुजिया मंगा दिए थे कर रखी है सारी तैयारी ठीक से यूँ करा पैसा अरे बड़को रामफल से आके करा कौन हुक्मे हाँ जी आया भाई मैं तेरी ये बात देखने लग रहा था राम 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 भाई राम राम जी राम राम जी ये आज आज रामफल ये है चौधरी जगबीर जी रोहतक दौड़ाते हैं चौधरी साहब राम 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 चौधरी साहब राम राम और चौधरी साहब ठीक ठाक है हाँ बिल्कुल ठीक ठाक और आप बताओ घर परिवार सब ठीक से बस चौधरी साहब उपराले की दया मेरे से लो पानी लो राम राम जी राम पड़े छोरा नहीं दिखता कितने जा रहा है अरे काम में जा रहा होगा पूनम है ए पूनम है हाँ बाबू नमस्ते बेटा नमस्ते बेबे लिल्लू की दुकान पर भाई जा रहे से उन्हें बुला लिया इतना चाह बन जाएगी ठीक है बाबू बुलाऊ हूँ भाई ने बुला के बोड़िया बीमार हो रही थी ठीक सही बे ठीक है जी बे ले बे अरे फूक दिया कि मैं खान का तो खोल ले खान का तो खोल लूंगा भाई पर तेरे खाते में लगूंगा अरे कंजूस है या बोतल भी मैं ले आया अरे खान का भी मेरे खाते में लिखेगा क्या हो गया मेरे यार अरे चल खोल ले भाई रमेश तन शर्म ना आंदी पता नहीं देखने वाले आ रहे हैं तू रे बैठ के दारू पी रहे आज आज तो रहने देता बेजमा दो पैग लिए हैं अरीब खा लूंगा तो जो किसी ने कुछ ना दरा पट्टे अरे लीलू तू सन समझान की जगह तू से गल बैठ के पी रहे बेबे ने ज्यादा तंगताना कर लिया मन तो ज्यादा दो पैग ले लिए तो मारवा बुद्धि में झूठे झूठे तो चल कर चल लेंगे मेरा नाम ले है ध्यान से चलिए उन्हें बेरा नहीं पटना चीते तू चिंता ना कर मैं इसी एक्टिंग करूंगा किसी ने कुछ नहीं बेरा पट जो सब बिस्कुट तो लिया है ना आपने लो ना जी धन्यवाद ले लो लो छोरा भी आ गया अरे अरे देखिए अरे बेटा दे बेटा राम राम कोई ना बेटा जा आराम कर ले वो चोई साहब ठोकर सी बन गई थी थोड़ी सी कोई ना चोई साहब बालक साहब और बताओ चोई साहब ठीक ठाक भाई साहब सुरक्षित चला गया हुक्मे एक बार मैं तेरते और चोई साहब ते एक लम बात करना चाहूँ सुन कोई बात ना चोई साहब आ जाओ हाँ चलो आ जाओ चल हाँ चोई साहब बताओ चौधरी साहब आपने सारी बात का बेरा सही और बेरा हमने भी पाट गया हाँ। के बात से चौधरी साहब मैं के मैं समझा को ना रामफल रमेश इस टाइम भी इतनी दारू पी रहा है उसका मुंह में तक गणी बास आवे है उसका ठोकर नहीं लगी वो ना टकराया है और चौधरी साहब जो बालक दिन में इतनी दारू पियो से वो कुकर घर बसा जाएगा वो चौधरी साहब बालक तो मैं सुनी गांव का मौजीज आदमी सुन मने न्यू बेरा से जयो रिश्ता आपने तोड़ना होता ना तईब तई चा पी के आप चले जाते आप न्यू बताओ आपके मन में के चल रहा है अड्डा सड्डा रामफल अड्डा सड्डा अरे अड्डा सड्डा तीन परिवार में आ करे हम तो दो ही सा जोर साहब मेरी निगाह में सोनीपत में एक बहुत बढ़िया रिश्ता है और मेरी उड़ा बातचीत भी हो रही है
लुगाई विधवा से और सुतरी छोरी से। फिर बताओ चोरी साहब के करना है। रामफड़ हम नू चावा है आपकी बेटी बन जाए जगबीर का घर की बहू और जगबीर की बेटी बन जाए सोनीपत राय घर की बहू और सोनीपत राय घर की बेटी बन जाए आपके घर की बहू। उसकी जिम्मेवारी सारी जगबीर की है। और चौधरी साहब मैं एक बात और बता दूं आपने सोनीपत वाली गुड़िया आपके छोरे थे 21 है ना हो तो मेरी जिम्मेवारी। चोई साहब जब आप इतनी सोच रहे हो तब मैं क्यों कर मना कर सकूं हूं। पर चोई साहब देखे मैं एक बार आपका कुणबा देखना चाहूं मेरी छोरी का सवाल से। रामफड़ एक बार नहीं 100 बार देख और सारा गांव में पता कर ले। भाई साहब खानदानी परिवार तो है जब अपना सारा पता निकाल लियो उसके बाद रिश्ता करियो नहीं मना कर दियो। ठीक से चौधरी साहब मैं बहुत जल्दी ही आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दूंगा फोन कर दूंगा सोनीपत जाकर पूछताछ करके। ठीक है चौधरी साहब न्यू करो एक एक गरम गरम चाय और पी जाओ। अरे आ जाओ भाई साहब सारी उम्र उ चाय पीनी है अपने कट्ठे मिलके। अरे एक और दोनों ध्यान रख लियो मेरी वाह गुंठी ना भूल जो तुम दोनों। चिंता मत करे तेरे पांचों लत्ते से मुआ दूंगा। अच्छा भाई राम राम। अच्छा जी राम राम। और इस तरीके से उखमे और जगबीर ने हम 6 बालिका की जिंदगी का भविष्य तय कर लिया था। और फिर वे रमेश और पूनम ने फाइनल करके अगले 2 फाइनल करन चाल पड़े थे। अच्छा जी इसका मतलब वे अगले 2 फाइनल करन खातर आपका घर आ जाओ थे। इब कितकी तेरी जगबीर है एक बार सोनीपत तक चल लांगे। आज जे एक दो दिन तो रुक जाए। अरे तनु वकावत को ना सुनी कौन सी। अरे गरम लो वा जल्दी पिंगल जा रहा भाई। चल भाई फिर चल एक बार। वे अगले 2 फाइनल करन खातर मेरे घर आवे थे। और इत्तेफाक तो देखो जिस दिन वे मेरे घर आवे थे उस दिन मेरे +2 का रिजल्ट आया था और मन पूरी क्लास में नहीं पूरे गांव में टॉप करा था। क्या बात है बहुत बढ़िया। लवरमा तेरी तूड़ी तो दी है बे। बेबे कितना गिरी माँ। ए माँ ए माँ गजब हो गया माँ गजब। ये बेटी इसा के हो गया बड़ी नाच दी से आन लाग रही है। ए माँ मैंने मेरी पूरी क्लास में टॉप करया है। अच्छा ए साची और। हाँ मेरा बेटा आ रहे अमित जब आज का 50 रुपए का बूंदी का प्रसाद लिया। ए माँ छोटा ने बूंदी ने आज तो हलवा बना ले देख बेबे टॉप करा कितना खुशी का दिन से है। ए माँ बूंदी ने छोड़ मेरी तो सारी सहेली नु पूछ है अब तेरे इतने नंबर आ गए वो भी साइंस साइड है अब तू बीएससी करेगी कोई सा कोर्स करेगी। ए माँ तू के करवावेगी। बेटा चिंता नहीं करते जो तेरी किस्मत में है वो हो जाएगा। अच्छा माँ। अरे राम फड़के बालक से क्या करा। अंकल राम राम। राम राम बेटा राम राम। माँ जगबीर अंकल आए हैं। राम राम चौधरी साहब। राम राम जी राम राम। आओ बैठो आप मैं चाय बना के लाऊं सु। चाय ने तुरंत दो चौथे ने बालक बना लाऊंगे। आड़े बैठो 5 मिनट 2 बात करनी है मैंने थारते। चौथे ने पाछे जी तुमने एक चक्करा कराया था अमित के रास्ता खातर। तो अमित कितना पढ़ा लिखा है सर और अपना जमीन जायदाद की है। चौधरी साहब आप तो जानो हो जमीन अपना सह कोन्या यो घर है और एक छोटा सा प्लाट से और छोरा अपने 7,000 की नौकरी करे से। अरे अड्डे सड्डे के बारे में क्या सोचो सो अक वैसे सोच रहे हो। चौधरी साहब रिश्ते की तो दाने मदरेस है अड्डे सड्डे में हो जा तो भी शुक्र मनाओ। चौधरी ने जब अपनी बेटी ने थारी बेटी बना दू तो थमने किसा लगेगा। बहुत बहुत एहसान रहेगा इस बात का।
चोलाना में से एक चौधरी खानदानी आदमी से। जिस दिन आप और अमित फ्री हो तो चलो तुमने घर बार दिखा लाऊंगा। चौधरी साहब, जिस घर में आप अपनी बेटी दोगे उस घर का बुरा थोड़ी सोचोगे। तो ठीक से चौधरी, हाँ हाँ ठीक है जी। को अच्छा सा मूर्ति दिखा के पैर की तारीख पक्की कर देंगे पंडित द्वारा पूछ के। चाय तो पी कर जानते चौधरी साहब। ना चौधरी, दुनिया चाहे कितनी बदल जा पर हम आज भी अपनी छोरी घर चाहते दूर की बात से पानी भी नहीं पिया करते। चौधरी साहब, आप भी पहले जमाने के रह रहे सो। ठीक से चौधरी। अच्छा जी, राम राम। चलो जी। हे भगवान, शुक्र है तेरा छोरी ना अच्छा घर मिल गया। हे माँ बैठ। हे माँ, मैं ब्याह नहीं करूंगी, मैं बाग और बढ़ूंगी। बेटी तने के दिक्कत हो रही है? अच्छा घर मिलन लग रहा है, ब्याह करने में के दिक्कत है तने? ए माँ, तू मेरे बिना भी तो अमित को ब्याह करा सके, यो अड्डा सेड्डा करना जरूरी है के? ना तो वो सरकारी नौकर, एक किला उसका आता नहीं, टाटा बिरला की औलाद कौन है वो? जगबीर की छोरी जिसी छोरी उसके मिल जा, गनीमत मान। तू इब करे नहीं और अमित का फिर हुए नहीं, तू के चावे बेटी कि तेरे बाबू की वंश बेल आगे ना बढ़े? जे उसने पढ़ाई कोने करी, जब वो नौकरी ना लग गया तो इसकी सजा तू मन्ने क्यों देवे माँ? मेरी बात सुन बेटे, थारा पापा याड़ा दोनों ने छोटे छोटे ने छोड़ कर मर गया था और मने दिहाड़ी मिन्नत करके किस तरह पाले हो तुम, और आज तू कवे बेटी मैं थारा बुरा चाहूंगी, बस ये दिन देखने खातिर मैं जिंदा थी। मने बेरा है माँ, तू मानने नहीं, अरे इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरा ब्याह करवावेगी, पर माँ तू ये बहुत गलत करेगी। अरे एक बात मेरी भी सुन ले माँ, ब्याह तो पहले मैं उससे फेटूंगी जरूर, और कित मिलवावेगी वह तू देख लिए। भाई जे तू आज पढ़ लेता ना और मेहनत करके कोई नौकरी लग जाता, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद न होती। अरे माँ, यू अड्डा सड्डा ठीक तो होगा ना? बेटा तू चिंता ना करे, रेखा का रिश्ता जांच पड़ताल करके करांगे। देख ले माँ, जुगर तने ठीक लग गए। जगबीरे। हाँ भाई। भाई तेरी चाल तो मने ऐसा लग गया है, तू बालका का रिश्ता दिखाने का तरह जे बमन लो जानता हो ना? हुक में सच्चाई आस है, नुका अक्रम मानस बार तो मैसे जी जाता है, लेकिन अपने बड़का खातर अपने औलाद दौर अक्सर आर जाग रहे, और मेरे खातर सब तो मुश्किल काम यो है मेरी छोरी को मनाना। जगबीर गलत कहे लोग, भगवान जो करे ठीक करे है, नालायक मारे छोरे बन जाए हैं और सजा मारी छोरिया ना भुगतनी पड़ा है। ठीक है हुक्मे, चल आ जा ले, लेट हो गए। चल भाई। जगबीर अंकल, बिना मारे बारे में सोचे, बिना मारे सपना के बारे में सोचे, मारी जिंदगी का फैसला करके अपने घर न चल पड़े थे। उन्ना ना बेरा था, जो काम उन्ने बार इतना आसान लग रहा था वो काम उनके खुद के घर में इतना मुश्किल होगा। भगवान ने उनके घर में कोई और ही कहानी चला रखी थी। कर्मा के वे माड़े हो से, मांगे उनके भाड़े हो से, कंगले घर में पैदा हो के सपना रखे बड़ा। अड्डा सड्डा रे हो जा, अड्डा सड्डा, अड्डा सड्डा रे कर दे अड्डा सड्डा, अड्डा सड्डा रे हो जा, अड्डा सड्डा, अड्डा सड्डा रे कर दे अड्डा सड्डा। कहता हूँ राम राम, एक बीड़ी पे दे ने बीड़ी ना छोड़ो कबर लिया। बेटे सोचे डॉक्टर बन जा, भाई बीड़ी मार पावे, बाबू सोचे छोरी के बदले अगली पीढ़ी चाल जावे, इस चक्कर में बेटी खातिर खोद दे वैसे खट्टा।